कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इन प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 आपको समझ में आना चाहिए। ये तीनों के तीनों समरूपता कसौटी है। ठीक है, उन तीनों को मैं क्या करता हूं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर ये प्रमेय 6.3 कहता क्या है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद 6.4 को समझेंगे, 6.5 को समझ लेंगे। इन सबको समझ लेंगे तो हम आसानी से इस प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या कहता क्या है। देखिए यहां पे कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। दो त्रिभुज कह रहा है ना, तो दो त्रिभुज हम इसमें बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं। अरे क्या हुआ, हाँ बन तो गया, चलो ठीक है। एक ये त्रिभुज हमने क्या किया, बना लिया, इसको साइड रखो। अब हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। चलो एक और बना लिया हमने समझाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, तो कुछ नहीं, इसमें जो करना हो तो करेंगे ही। अब इसमें क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं, है ना। क्या कर देते भाई, नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं पी और इसका नाम रख देते हैं क्यू और इसका नाम रख देते हैं आर। अब कंडीशन से समझते हैं। कंडीशन कहता है कि यदि दो त्रिभुज, चलो भाई हमने दो त्रिभुज बना लिया, ठीक है, तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण यानी इनका कोण जो है ना आपस में बराबर हो, जैसे कि ये कोण जो है भाई इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो बराबर हो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बराबर कर ही देते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण बराबर हो, इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं यहां पे। ठीक है, तो हम कर देते हैं, कोण ए जो है प्यारे बच्चों किसके बराबर है, यहां पे कोण पी के बराबर है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, कोण पी के बराबर कर देते हैं। कोण बी जो हमारे पास है यहां पर देख सकते हैं, कोण बी किसके बराबर है, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो हम यहां पर लिख देते हैं कोण क्यू के। ठीक है, कोण सी जो हमारे पास है ना, कोण सी किसके बराबर है, तो कोण हमारे पास आर के बराबर है, तो हम लिखते हैं कोण आर के बराबर में। ठीक है, हमने कर दिया, यदि संगत कोण बराबर हो तो इन दोनों त्रिभुज की संगत कोण क्या कर दिए, आपस में हमने बराबर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है। इनकी संगत भुजाएं, कहने का मतलब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात और ये भुजा इस भुजा का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ये भुजा हमारे पास क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, जो भुजा है, क्योंकि कोण हमने बराबर कर दिया, संगत कोण बराबर कर दिया, तो इसके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ए बी, हमारे पास क्या है भाई, ए बी और बट्टे में क्या लिखेंगे, पी क्यू, तो हम लिखते हैं पी क्यू, ओके, और बराबर में फिर क्या लिखेंगे, बी सी, तो हम लिख देते हैं बी सी और बट्टे में क्या लिखेंगे, क्यू आर, तो हम लिख देते हैं क्यू आर, ओके, और बराबर फिर ए सी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी और बट्टे में क्या लिखेंगे, पी आर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी आर। देख लो हमने सब कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन यही कह रहा था कि संगत कोण बराबर हो, तो हमने क्या किया, संगत कोण बराबर कर दिया। तो संगत कोण बराबर हो तो कंडीशन कहता है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, तो एक ही अनुपात में हमने कर दिया, हो तो होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या कहलाते, समरूप कहलाते। तो ये कंडीशन हमने लागू कर दिया, अब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, और इस नियम को क्या कहेंगे, एंगल 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 यानी कोण कोण समरूपता कसौटी कहेंगे। ये किस मेथड से आया भाई, क्योंकि कोण यहां पे देखो तीनों बराबर थे, इसलिए ये कहेंगे क्या, कोण कोण यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं आसानी से कि कोण कोण ए ए ए है ना, कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से क्या लिखेंगे, कसौ टी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, कसौटी से त्रिभुज हमारे पास ए बी सी समरूप हो गए, क्या त्रिभुज
किसके, तो पी क्यू आर के, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं, करेक्ट। ये कंडीशन आपने समझ लिया। तो पहला समरूपता कसौटी क्या है प्यारे बच्चों, एक ये समझा आपने कि कौन 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 से, ठीक है, कौन 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 से, यानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है। आप ट्रिपल ए देख रहे हैं उसका मतलब समझ जाना एंगल 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 है, ठीक है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी आपने समझ लिया प्रमेय 6.3 में। अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों प्रमेय 6.4 को। प्रमेय 6.4 के समरूपता कसौटी क्या कहता है, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है। तीन बार बोल रहा हूं ना, कभी चार बार रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है बोलने में, ओके। तो अब इसको समझ लेते हैं, यहां पे कहता क्या है, तो सबसे पहले कहता है कि यदि दो त्रिभुज, तो आप बिना देर किए हुए क्या करना, आपको कर लेना है दो त्रिभुज बना लेना है। तो हम यहां पे देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक या दो, हमने दो बना लिया भाई, चलो यहां से हमने बना लिया, इसमें क्या कलर, ये कलर कर देते और इधर क्या है, इसमें भी कलर कर दे क्या, चलो फिल कर देते, ये कलर कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब दो त्रिभुज का हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं, चलो नाम रख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका नाम रख देते क्या भाई, ए, है ना। तो हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख देंगे पी, इसका नाम रख देंगे क्यू और इसका नाम रख देंगे आर। हमने कर दिया नामकरण, चलो भाई हमने नामकरण कर दिया। अब नामकरण करने के बाद अब करेंगे क्या, फिर कहता है कि यदि दो त्रिभुज, हमने दो त्रिभुज कर दिया, में एक त्रिभुज की भुजाएं, अब क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं, चलो मान लेते इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, समानुपाती यानी अर्थात एक ही अनुपात में है। तो इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है। तो इस कंडीशन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं भाई, हम किसमें चलेंगे, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी एवं, है ना, एवं ये एबीसी है, एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में, पी क्यू आर में भाई हमने चल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन वही कहता है कि इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या हो, एक ही अनुपात में, यानी समानुपाती हो। तो हम कर देते हैं भाई, कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, ए बी है तो हम लिखेंगे क्या, ए बी और बट्टे में क्या लिखेंगे, पी क्यू, तो हमने पी क्यू कर दिया, ठीक है। बराबर हमारे पास लिखेंगे फिर क्या, बी सी, ओके, और बट्टे में क्या लिख देंगे, क्यू आर, तो हम नीचे लिखा गया क्यू आर, तो हमने ये क्यू आर लिख दिया। उसके बाद ए सी है, ए सी बट्टे में क्या लिखेंगे, पी आर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी और बट्टे में क्या लिखेंगे भाई, पी आर, है ना। ये सभी क्या है, एक ही अनुपात में है, हमने क्या किया, बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तब ये कंडीशन आया है ना, क्या है ये कंडीशन, भुजाओं का अनुपात क्या कहता है, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो यहां कंडीशन तक ये मैंने कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अगर ये कंडीशन दिया गया यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण बराबर कर देते हैं, तो संगत कोण हमारे पास क्या है, चलो ये हमारे पास एक ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, फिर ये कोण इस कोण के बराबर, फिर ये कोण इस कोण के बराबर, हमने यहाँ पे बराबर कर देते हैं। यानी कोण ए जो हमारे पास है वो किसके बराबर है भाई, तो कोण पी के बराबर है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, कोण बी जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू के बराबर। फिर हम क्या लिखेंगे, कोण सी जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, तो कोण आर के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण आर के बराबर, हमने कर दिया भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये समरूप होते हैं। तो ये कौन सी कसौटी से हुआ, तो पहले आपने देखा कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी साइड 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 से हुआ, भुजा साइड, भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया था इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा कसौटी कहा जाता है। तो आइए इसको में हम लिख देंगे क्या, कि अतः अतः साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए हैं। त्रिभुज किसके, P
PQR के। तो आपने ये कंडीशन समझ लिया, यानी प्रमेय 6.4 को समझ लिया। तो प्रमेय 6.4 क्या कहता है, समरूपता कसौटी साइड 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 ट्रिपल एस है ना, साइड से साइड यानी भुजा भुजा कसौटी। तो ये भी आपने समझ लिया। पिछले मैंने यानी प्रमेय 6.3 में क्या समझा था हमने, एंगल 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 है ना, इसमें समझा साइड साइड साइड। अब हम समझेंगे क्या साइड एंगल साइड, ये तीनों समरूपता कसौटी, इसको बढ़िया से ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों प्रमेय 6.5 क्या कहता है, प्रमेय 6.5 क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, तब कम से कम दो त्रिभुज है इसमें, दो त्रिभुज तो सबसे पहले बना लो है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ये त्रिभुज बना लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, फाइल में कुछ फिल कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं, अब थोड़ा सा डबल कर लेते, एक ये त्रिभुज हमने क्या किया बना लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करते हैं इसका नामकरण कर देते हैं है ना, नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R, चलो इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B और इसका नाम रख देते हैं C। हमने यहाँ पे क्या किया, नामकरण कर दिया है ना। अब क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि त्रिभुज का एक कोण, मान लो ये एक कोण हमने मान लिया, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मान लो कि इस कोण के त्रिभुज के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी कोण P बराबर हम कर देते हैं कोण A, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोण हो बराबर हो, तथा इनके कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो इनके कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन है, एक तो ये भुजा है ना, और एक ये भुजा है इस कोण के, ठीक है, और इसमें कौन भुजा है, तो भाई एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, ठीक है, इन दोनों भुजा है ना, तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, तो हम क्या करते हैं एक अनुपात में डाल देते हैं, तो भाई डाल देते हैं ये PQ है ना, तो हम लिखेंगे PQ और बट्टे में क्या लिखेंगे AB है, तो हम लिखेंगे AB है ना, बराबर फिर क्या लिखेंगे PR है उधर, तो हम लिखेंगे PR, और इधर क्या AC है, तो हम लिखेंगे क्या AC। तो हमने क्या देखा भाई, यहां पे हमने ये देखा कि एक कोण बराबर है तथा दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भाई ये किस मेथड से समरूप हो गए, साइड एंगल साइड से, किससे हो गए साइड एंगल साइड से, जिसमें एक कोण बराबर है और दूसरा दो भुजा का अनुपात बराबर है, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि ये भुजा कि ये भुजा, ठीक है, तो हम कह सकते भाई आसानी से कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर जो होंगे ना वो समरूप हो गए किसके, तो त्रिभुज एबीसी के, एबीसी के, करेक्ट ना, हमने यहां पे क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, हमने तीनों कसौटी को जान लिया। अब हम चलते हैं तीनों कसौटी के मदद से कौन त्रिभुज समरूप है और कौन त्रिभुज समरूप नहीं, उन सब के बारे में जान लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिया गया उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या कहता है जरा देखिए, यहाँ पे कहता है, हेलो हेलो, हाँ कंडीशन क्या कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 ये सब जितने भी आकृति है, यानी पहले प्रश्न में वो सारे के सारे 3.4 में ही है, ठीक है, तो बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, आपको समरूप बताना है, ठीक है, समरूप है उस समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी समरूपता कसौटी जो जो मैंने बताया, अब उसमें लिखना क्या है कि इसमें जांच करना है कि कौन समरूप है, और जो समरूप होगा हम जिस समरूपता कसौटी पे जांच किए उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, तो समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला का पहला सवाल सॉल्व करते हैं भाई, इसमें देखो कि ये कोण इसके बराबर है, ये हमारे पास दो त्रिभुज है, ये कोण इस कोण के बराबर है एवं ये कोण इस कोण के बराबर है ना, बराबर है, मतलब तीनों कोण यानी तीनों जो ये संगत कोण है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। आइए सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमें लिखना है सबसे पहले हल, हमने लिख दिया हल, अब लिखेंगे क्या त्रिभुज किसमें, तो एबीसी, त्रिभुज एबीसी एवं एवं
त्रिभुज किस में भाई? तो त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में हम चलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर में हम देख रहे हैं क्या, ये कोण जो है ना इस कोण के बराबर है, यानी सभी संगत कोण आपस में बराबर ही नजर आ रहे हैं। तो कोण ए किसके बराबर है भाई? तो कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण पी के बराबर कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है, करेक्ट ना। अब हम क्या लिखेंगे, कोण बी जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? तो कोण बी हमारे पास कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू के बराबर कितना डिग्री है भाई, 80 डिग्री है, है ना, लिख दो ब्रैकेट में, क्या दिक्कत है। अब हमारे पास कोण सी जो है ना, कोण सी किसके बराबर है? तो कोण सी हमारे पास कोण आर के बराबर है, तो कोण आर के बराबर कर देते हैं कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। हमने क्या किया भाई, बराबर कर दिया। तो आपने देखा कि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो जब बराबर है तो हम कह सकते हैं तीनों कोण जब बराबर है तो हमने समरूपता कसौटी आपको प्रमेय 6.3 में समझा था। जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, किससे, तो साइड एंगल, यानी एंगल 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 से, एंगल 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 से, ठीक है, कोण कोण से, ठीक है। तो वो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, लिख देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, ये जब बराबर हो गए तो लिखेंगे अतः, अतः एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता है ना कसौटी से, कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम क्या लिखेंगे भाई, ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप हो गए, तो कसौटी से त्रिभुज लिखेंगे क्या भाई यहां पे, कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, है ना। तो हमने यहां पे लिख दिया समरूपता कसौटी, क्योंकि यहां पे समरूपता कसौटी को कह रहा था लिखने के लिए, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया कि ये त्रिभुज समरूप हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए पहला का अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें कोण नहीं दिया है, इसमें तो शायद भुजा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, भुजा की मदद से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल, करेक्ट ना। अब हल लिखने के बाद क्या, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में चलते हैं, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी एवं है ना, एवं किसमें, तो त्रिभुज पीक्यूआर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम इसमें चलते हैं भाई। तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं, ए बी भुजाओं का अनुपात पहले देख लेते हैं, क्योंकि भुजा दिया गया है, हम यहां पे लिखेंगे कि ए बी बटे में, अब देख लेना ए बी का वैल्यू कितना, दो, दो का दुगुना देखना किधर है, दो का दुगुना यहाँ चार नजर आ रहा है, चार ले लो ना, ए बी बटे में क्या लिखेंगे, चार यहाँ पे, तो ए बी बटे में क्यू आर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप चाहोगे कि ए बी बटे में हम पी क्यू डाले तो वो नहीं पता चलेगा, इसका दुगुना देख करके कोई भी आप डाल सकते हैं, है ना। तो ए बी बटे में क्यू आर, इसका वैल्यू कितना भाई, ए बी का वैल्यू यहाँ पे दो है और क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो क्यू आर का वैल्यू चार है, जब दोनों को काटेंगे दो दुना चार तो आ जाएगा हमारे पास एक बट्टा दो, क्लियर ना। हाँ भाई आपने समझ लिया। उसके बाद बी सी, बी सी का दुगुना, अढ़ाई दुना पांच, ये है हमारे पास पी आर है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बट्टे में क्या, पी आर, ये देखो पी आर है ना, तो हम पी आर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया पी आर। बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है 2.5, हम लिखेंगे 2.5, और बट्टे में पी आर का मान कितना है, पाँच है, तो पाँच। अभी हमारे पास अढ़ाई है ऊपर, अढ़ाई दूना पाँच काटेंगे तो एक बट्टा दो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं ए सी, ए सी का दुगुना हमारे पास क्या है, पी क्यू है, वो लिख देंगे, तो लिखेंगे क्या ए सी, और बट्टे में क्या लिखेंगे भाई, एसी बट्टे में पी क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू। अब क्या करेंगे भाई, एसी का मान कितना है, तीन, तो हम लिखेंगे तीन, एवं पी क्यू का मान छः है ना, पी क्यू का मान छः है, तो हम लिखेंगे छः, काटेंगे तीन दूना छः, तो एक बट्टा दो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भाई तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये भी एक बट्टा दो, ये भी एक बट्टा दो, ये भी एक बट्टा दो, जब बराबर है यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं किसके मदद से ये समरूप हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज, तो साइड 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 से, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, हाँ चलो छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना इसलिए, ओके ये लो, हम इस साइड कर देते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे करते हैं क्या,
लिखेंगे भाई क्या यहाँ पे हम लिखते हैं कि किस की मदद से ये समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज साइड साइड से, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी है ना, कसौटी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, तो पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, करेक्ट ना। हमने यहां पे समझ लिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। तो यहां पे हो गया दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना, ना नहीं दिक्कत है भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए क्या इसमें अब कोई दिक्कत है, यहां हम लिख देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा डिटेल में ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, तो हमने लिखा हल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम लिखेंगे क्या त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में चलते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज किस में, एल एम पी है ना, एवं एवं त्रिभुज किस में चल जाए, तो त्रिभुज डी ई एफ में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ में। अब इसमें चलाएं, अब इसमें देखो भाई, इसमें भी तो भुजा ही दिया है, कहीं कोण नजर नहीं आ रहा है। तो एल एम देखो, एल एम का दुगुना कहीं पे है क्या, नहीं दिया गया, तो हम पहले दूसरा देखते हैं, एम पी देख लेते हैं पहले, है ना। एम पी का दुगुना कितना है भाई, तो एम पी का दुगुना हमारा दो, दो दुगुना चार, डी ई है, तो डी ई ले लो, तो एम पी बटे डी ई हम ले सकते हैं। एम पी का मान कितना है, दो है, और डी ई का मान कितना है भाई, तो डी ई का मान चार है, तो हम लिखेंगे चार, काटेंगे दो दुना चार, तो हमारे पास एक बट्टा दो प्राप्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखेगा ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अब हम ले लेते हैं तीन, तीन का दुगुना कौन है, यहाँ पे छः है ना, तो तीन का दुगुना हम ले लेते हैं, तीन हमारे पास क्या है, एल पी है, एल पी एल पी एल पी बट्टे हम ले लेते हैं क्या, एल पी बट्टे हम ले लेते हैं तीन का छः, यानी डी एफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एफ, करेक्ट ना। अच्छा डी ए डी में बहुत बच्चा कहता रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, चलो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डी एफ। अब एल पी का मान कितना है, तीन है, तो हम लिखेंगे तीन, एवं डी एफ का मान कितना है, छः है, तो छः लिखेंगे, काटेंगे तीन दुना छः, एक बटा दो प्राप्त हो जाएंगे, समझ में आई बात। हाँ भाई समझ में आ गई। अब यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से, यहाँ से देख लो क्या करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एल एम, दो दशमलव सात, दो दशमलव सात का दुगुना कोई ही नहीं, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही बचा, हम उसको लिख लेंगे। तो एल एम, एल एम बट्टे में हम क्या लिखेंगे भाई, ई एफ, ई एफ ही बचा हुआ है, तो ई एफ ही लेना पड़ेगा, ई एफ। तो एल एम हमारे पास कितना है भाई, तो एल एम हमारे पास दो दशमलव सात है, एवं ई एफ कितना है, पाँच है। क्या इसको पूर्ण रूप से काट सकता है, नहीं काटेंगे, वही रह जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं भाई, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है भाई, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आसानी से, कैसे लिखेंगे भाई वो हम आपको बता देते हैं। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, इस साइड रख देते हैं, हमने रख दिया। अब इधर हम सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पे देखो कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि चूंकि एम पी, क्या लिखेंगे, एम पी बट्टे में डी ई, और बराबर बराबर जो हमारे पास है एल पी बट्टे में डी एफ, है ना, बराबर, लेकिन बराबर नहीं है तीसरा वाला एल एम बट्टे में ई एफ, है ना, ई एफ। अब देखो भाई, ये किसी भी समरूपता कसौटी को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा एक समरूपता कसौटी जो देखा था, भुजा वाला साइड साइड साइड, जिसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होते थे, लेकिन यहाँ दो तक तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, है ना। तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए त्रिभुज एल एम पी है ना समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है किसके, तो त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। बहुत गर्मी लग रहा है, लाइट कट गया है, जिसकी वजह से फैन चल नहीं रहा है, तो गर्मी लगेगा ही लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो तीसरा हमने सॉल्व कर दिया, अब हम चौथा सॉल्व करेंगे। चौथा को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखते जाओ बहुत आसानी से, किस में चल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे देख लो किस में चल रहे हैं हम, चल रहे हैं भाई त्रिभुज एम एन एल में, है ना, त्रिभुज एम
एन, यहां पे लिख देते त्रिभुज, त्रिभुज एम एन एल एवं किस में चलते भाई, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, करेक्ट ना, त्रिभुज पी क्यू आर में हम इसमें आ गए भाई। अब इसमें हम करेंगे क्या भाई, वो देख लेना ध्यान से। बस इसमें देखो सबसे पहली बात है एम एन, अढ़ाई दुना पांच, ये तो है इसका दुना एम एन, तो हम लिखते हैं क्या एम एन है ना, बटे में एम एन बटे में क्या लिखते हैं पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू बराबर एम एन का वैल्यू 2.5 है और पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो 5 अढ़ाई दुना 5, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, करेक्ट ना। अब यहाँ पे देखो ये कोण 70 डिग्री, यहाँ भी कोण 70 डिग्री, यानी कोण एम कोण क्यू के बराबर है, तो कोण एम जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, कितना है भाई 70 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या कहता है, आगे कहता है भाई फिर एम एल, यहाँ पे लिख देते हैं एम एल, एम एल बटे में क्या लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर, तो एम एल कितना है भाई, एम एल हमारे पास 5 है और क्यू आर हमारे पास कितना है, तो क्यू आर हमारे पास 10 है, तो हम लिखेंगे क्या 10, अब इसको काटेंगे 5 × 10 है ना, काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 5 × 10 ये 2 है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक भुजा इस भुजा के बराबर है तथा एक कोण बराबर है, यानी दो भुजा आपस में बराबर है ना, इसका देखो 1/2, यह भी 1/2 और एक कोण बराबर है, यानी दो साइड बराबर है एवं एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक तो हमारे पास साइड है और दूसरा हमारे पास कोण है, ये दोनों बराबर है, एक साइड बराबर है ना, फिर एक कोण बराबर है ना, तो इस तरीके से साइड एंगल साइड की मदद से समरूपता कसौटी इस वाले से, ठीक है। तो हम लिखते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, कसौटी से भाई लिखेंगे समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, तो पी क्यू आर के, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया भाई, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत भाई, हाँ। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कैमा का, तो पहला का चौथा सवाल आगे है, तो क्या दिया हुआ, हाँ भाई दिया है हमारे पास, आगे क्या है पांचवा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब एक एंगल बराबर है, ये भुजा का अनुपात है ना, ये भुजा का अनुपात देख सकते हो किसमें है, ये अढ़ाई दुना पांच ये हो जाएंगे है ना, और ये वाला देख सकते हो ये, मतलब आप देख रहे हो दो भुजा का अनुपात बराबर है, क्या है बीसी, एक बीसी का दुगुना क्या है ई एफ है एवं ए बी का दुगुना क्या है डी एफ है, तो हम कह सकते हैं और एक कोण बराबर है, यानी दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है एवं एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए, समरूप हो गए, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, समरूप हो गए। इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या है कि नोट्स देना पड़ता है, इसकी वजह से हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई हम सॉल्व कर देते हैं, है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इस पे, लिखना सबसे पहले हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल, राइट ना। अब लिखेंगे क्या, चलेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं, है ना, त्रिभुज ए बी सी एवं, त्रिभुज किस में, तो डी ई एफ में, डी ई एफ में, दोनों में चलते हैं भाई। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें ये करते हैं कि ए बी का दुगुना क्या हमारे पास, तो ए बी का दुगुना भाई हमारे पास दिया गया अढ़ाई दुना पाँच, डी एफ दिया गया है, तो हम लिखेंगे डी एफ, करेक्ट ना, ए बी हमारे पास अढ़ाई है, डी एफ हमारे पास 5 है, काटेंगे तो हमारे पास 1/2 ही नजर आएंगे, एवं एक कोण बराबर है, कोण ए बराबर कितना है भाई, कोण ए बराबर है कोण एफ के, तो हम लिखेंगे कोण एफ कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, करेक्ट ना। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, बी सी, बी सी और बट्टे में क्या लिखेंगे, बी सी बट्टे में ई एफ, ई एफ कितना है, बी सी हमारे पास 3 है एवं ई एफ 6 है, 3 × 6 काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, यानी 1/2 आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं दो भुजाओं का अनुपात बराबर है एवं एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई किसकी मदद से,
किसकी मदद से? साइड एंगल साइड की मदद से। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से लिखेंगे, कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एक ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, तो डी ई एफ के, राइट ना। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पांच प्रश्न सॉल्व कर लिया, अब पहला का यहाँ पे क्या छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठा क्या कहता है, बस इसमें देख लो, इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, ये 70 डिग्री, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएंगे ये पहले हमको बताओ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितना डिग्री हो गया, देखो 80 डिग्री 70 डिग्री, तो 8 7 15 150 डिग्री, तो ये हो गया। अब 180 हमको पुराना है, तो एक और कितना डिग्री जोड़ेंगे, तो 150 हो जाए, नहीं 180 हो जाएंगे, तो 80 70 150 150 में कितना जोड़ेंगे, 30 डिग्री जोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। हम कैसे 30 रख दिए, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दो कोणों का योग कितना दिया गया, 150 डिग्री, तो तीसरा कोण हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, 30 डिग्री रख दो भाई, है ना। इसमें देखो यहाँ 30 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो 8 3 11 110 डिग्री ये हो जाएंगे, तो अगला कोण कितना हो जाएंगे, 70 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 70 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं भाई, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, देखो 70 डिग्री, इसलिए तो हम लिखेंगे कोण डी बराबर कोण किस क्या, नहीं तो आसानी से ऐसे लिखो ना भाई, थोड़ा सा प्यार से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसमें, डी ई एफ एवं, है ना, त्रिभुज किसमें भाई, तो त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दिया गया भाई, तो हमको दिया गया है कोण डी जो हमारे पास है ना, कोण डी किसके बराबर है, तो कोण पी के, कोण पी के, है ना, ये डी है, करेक्ट ना भाई, अरे तरीके पूरा घटिया बना दिए। कोण डी जो है ना हमारे पास वो किसके बराबर है, तो कोण पी के बराबर है, एवं कोण ई जो है ना हमारे पास वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर कर दिए, एवं कोण हमारे पास एफ जो है ना वो किसके बराबर है, तो कोण आर के बराबर है, करेक्ट ना, आपने समझ लिया। तो देख सकते तीनों कोण बराबर है, कोण बराबर है मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से चलेंगे, तो यहां पे लिख सकते आसानी से कोण कोण समरूपता कसौटी, कोण 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज डी ई एफ, है ना, समरूप हो गए त्रिभुज किसके, तो पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, है ना, ये दोनों समरूप हैं। अब ये हमने समझ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, ये हमारे पास इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा सिंपल है। क्या कहता है, पहले तो लिख लो भाई, दिया है हमको, क्या दिया है वही लिखते चलेंगे, दिया है, समझते चलेंगे, दिया है कि 6.35, ये हमारे पास आकृति 6.35 है, 3.5 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। हम देखते हैं ओडीसी कौन है, तो देख लो ओ, ये है ओडीसी, यानी ये त्रिभुज हमारे पास क्या है, ये त्रिभुज समरूप है किसके, तो ओबीए के, ओबीए यानी ये त्रिभुज के समरूप है, है ना, क्या इस त्रिभुज के, ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है, क्लियर। तो कहता है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री, BOC, BOC समझ रहे, BOC मतलब ये कोण, हम आपको बता देते हैं, ये कोण हमको दिया गया है, ये कोण है ना, ये कोण कितना कहता है, कहता है ना कि कोण BOC, है ना, कोण BOC कहता है ना 125 डिग्री, BOC 125 डिग्री, ये हमारे पास 25 डिग्री BOC, हम लिख देते हैं, सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं, दिया है भाई हमको कि ये त्रिभुज हमारे पास ओ डी सी समरूप है किसके, तो त्रिभुज ओ बी ए के, ये समरूप है, एवं दिया गया है भाई हमको क्या कि कोण बी ओ सी बराबर कितना 125 डिग्री, है ना, ये हमको दिया गया है।
अब एक और दिया गया कौन सीडीओ, सीडीओ देखो याद रखना कि जो बीच में दिया गया वही कोण का मान है। जैसे ये दिया है कोण CDO 70 डिग्री, मतलब ये जो D है ना वो 70 डिग्री होंगे। ठीक उसी तरीके से दिया यहाँ पे दिया गया था क्या कि कोण BOC 125 डिग्री, मतलब बीच वाला जो कोण है वही होगा 125 डिग्री, यानी ये जो O है ये 125 डिग्री होगा। जैसा कि देख सकते O 125 डिग्री है और D यहाँ पे 70 डिग्री, जो हमने यहाँ पे समझाया था। करेक्ट ना, ये आपने समझ लिया, ये बेसिक चीज़ है वो आपको क्लियर करना चाहिए। तो हमारे पास हो गया, और कोण CDO 70 डिग्री है। चलो यहाँ पे तो पहले से दिया गया तो हमें लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये भी दिया गया 125 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण CDO हमारे पास कितना है भाई 70 डिग्री, हमने 70 डिग्री कर दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, CDO 70 डिग्री है एवं कोण जो हमारे पास है DOC कॉमा कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ज्ञात करना है एक तो ये कोण ज्ञात करना है, एक ये कोण ज्ञात करना है, एक ये कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कोण DOC, DOC कहाँ है हमारे पास देख लो, DOC मतलब एक तो ये कोण हमें ज्ञात करना है DOC है ना, DOC ज्ञात करना है, और दूसरा कोण DCO, DCO कौन होगा भाई DCO मतलब एक ये कोण हमको ज्ञात करके बताना है। फिर कहता है कोण OAB कौन है भाई OAB, तो बीच में देखना A है, ये कोण ज्ञात करना है। ये आसानी से ज्ञात हो जाएंगे भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये कोण ज्ञात कर लोगे तो ये भी कोण ज्ञात हो जाएंगे, और ये ज्ञात हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएंगे। कैसे ज्ञात होंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कचरा हो गया था ना इसलिए। अब चलते हैं सीधा यहाँ पे हल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हल, क्लियर। अब ध्यान से देखना भाई, ये हमारे पास 125 डिग्री दिया गया है, कौन दिया गया है तो कोण BOC, क्या दिया गया BOC 125 डिग्री दिया गया है। यहां पे देख सकते हो, यहां पे कहीं पे दिया होगा ना 125 डिग्री, ये देखो BOC, तो हम यहां पे लिखेंगे कोण BOC 125 डिग्री है, ठीक है रहने दो, तो कोण BOC हमने लिखा पहले। अब हमको ज्ञात क्या करना है भाई, ये आप ध्यान से देखना भाई, हम आपको समझा रहा हूं यहीं पे ध्यान से देखना। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है DOC, ये कोण O ज्ञात करना है, तो भाई यहां पे देखो ऐसे, अगर यहां पे ये कोण ज्ञात करना है ना, अब गौर से यहां पे देखना भाई एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ये रेखा है, क्या ये रेखा है ना, अब इस पर देखो ऐसे करके पूरा इस तरीके से घूम रहा है, अगर पूरा घूम जाता है तो कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है कि नहीं पता। अगर हम कोण, हमने यहां पे क्या समझाया आपको, यहां पे ये समझाया भाई कि अगर कोण BOC, क्या है कोण BOC, BOC का कितना दूर तक है, तो भाई यहां पे यहां से लेके यहां तक, ठीक है BOC, और साथ में साथ DOC यानी ये कोण DOC, ये दोनों मिल जाता है तो कितना डिग्री का कोण लेगा भाई 180 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे चांद पर, जैसे ये रेखा है और चांद पर भिराएंगे तो ये अगर पूरा ये राउंड लगाता है तो 180 डिग्री, और ये पूरा फुल राउंड लगाता है तो 360 डिग्री होता है, होता है कि नहीं, चांद की मदद से ऐसे घुमा करके देखना, चांद भी ले लो 180 डिग्री के कोण तक आप ना सकते हो, तो यहां से यहां तक, जैसे कि हमने यहाँ पे ये चीज समझा दिया ना भाई कि यहां से यहां तक एक रेखा खींचेंगे और ये पूरा राउंड लगाएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां तक पूरा एक रेखा खींचेंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इस पूरे राउंड में आप देख रहे हैं यहां से हाफ राउंड में कि 125 डिग्री भी है और ये भी कोण है, तो दोनों कोणों का योग ना होना चाहिए 180 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग कर देते हैं, तो कोण BOC और साथ में कोण DOC, क्या करेंगे DOC, तो हम लिखते हैं कोण DOC बराबर कितना 180 डिग्री भाई। तो आपने ये समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, तो हाँ भाई आपने यहां पे क्लियर कर लिया। अब BOC का मान कितना भाई 125 डिग्री, तो हम यहां पे लिखेंगे 125 डिग्री प्लस में कौन DOC हमको निकालना है, DOC बराबर 180 डिग्री। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, यहां से कौन DOC बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस है पक्षांतर के माइनस के 125 डिग्री। अब कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा 125, 180 में से 25 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 55 डिग्री हो जाएंगे ना,
देख लो, जीरो में से पांच जाएंगे तो पांच ही होंगे, पांच कैसे हो गया, हासिल लेंगे, दस में से पांच तो पांच, सात, सात में से दो गया तो पांच, एक में से क्या था जीरो, 55 डिग्री। तो ये जो हमारे पास डीओसी का मतलब ये हुआ कि बीच का कोण, तो कोण ओ आ गया 100, यानी बोले तो 55 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। तो आपने ये समझ लिया भाई, ये हमारे पास निकल के आ गया 55 डिग्री, राइट। हाँ भाई आपने समझ लिया। अब प्यारे बच्चों हम एक चीज आपको समझाते हैं, जब ये 55 डिग्री हो गए तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले छोटा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पूरा सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, छोटा ही कर देते, अरे रे ना 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 ना, ये दिक्कत हो जाएगा, रहने देते हैं। तो ये हो गया 55 डिग्री। अब हमको निकालना है भाई कौन सी ज्ञात करना है, अरे ये इधर उधर कहा कर रहा है, यहां पे रहो ना यार, है ना। हमको अब ज्ञात क्या करना है भाई, ये कौन ज्ञात करना है, यानी कौन सी ज्ञात करना है, कहता है ना कौन डीसी वो ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कौन सी ज्ञात करना है। तो डीसी हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, डीसी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको तो बताना पड़ेगा ना, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, राइट। देखो भाई इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, त्रिभुज आपको चलना पड़ेगा, त्रिभुज किस में, तो डीसीओ में चलते हैं, त्रिभुज डी सी ओ में। तो डीसीओ में देख रहे हैं कोण डी, लिखेंगे कोण डी, अपलस में कोण ओ, अपलस में कौन सी ज्ञात करना है ना, इसलिए कौन सी बराबर। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री, करेक्ट ना, हमने यहां पर लिख दिया। कोण डी का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री, अपलस में कोण ओ का वैल्यू कितना है, कोण ओ का वैल्यू हमने निकाला है ना 55 डिग्री, अपलस में देखो कोण ओ के जगह पे आप तो कहोगे सर 125 डिग्री भी है, हाँ भाई है, लेकिन हमने 55 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हम चल रहे हैं डीसीओ में, त्रिभुज डीसीओ में, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, है ना। और कौन सी है, तो कौन सी बराबर 180 डिग्री। अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं ना भाई, हम कैसे निकालेंगे, कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों के जोड़ करके उधर पटक दो, तो ये 5, 7, 5, 12, 125 डिग्री, है ना, माइनस के ये डिग्री और माइनस के सबको जोड़ दो, 7 ये 5 हो जाएंगे, 7, 5, 12, 125 डिग्री, है ना, दोनों को जोड़ के उधर रख दिए, माइनस का हो जाएगा। तो कौन सी बराबर कितना, 125 डिग्री 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा भाई, 55 डिग्री होंगे ना, सच में कह रहा हूँ कि झूठ में कह रहा हूँ, 55 डिग्री होगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, है ना, 55 डिग्री ही होंगे। तो कौन सी 55 डिग्री, कौन ओ भी 55 डिग्री, तो ये भी एक आंसर आ गया, है ना, और एक ये भी आंसर निकल के आ गया। अब कहता क्या हमको, फिर निकालेंगे, दो तो निकाल लिए, फिर कहता कौन ओ ए भी ज्ञात करने के लिए, ओ ए बी का मतलब यह कि कौन ए ज्ञात करना है आपको, ओ ए बी का मतलब बीच में क्या है, ए हमारे पास, तो ए ज्ञात करना है, तो कौन ए कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो कौन ए ज्ञात करने के लिए बस ये हमारे पास कितना है, तो ये जो कौन सी जो हमने निकाला भाई अभी अभी कितना 55 डिग्री ही निकाला है, तो ये 55 डिग्री, तो ए भी 55 डिग्री। आप कहोगे कैसे, तो एकांतर कोण के नाते, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कितना हो जाएंगे 55 डिग्री, ये भी कोण ए भी क्या हो जाएंगे 55 डिग्री, किसके नाते, तो एकांतर कोण के नाते, तो एकांतर कोण से, कौन से, तो हमने तीनों ज्ञात कर लिया भाई, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने क्या की, पूरा का जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर रख दिया, एक बीच में ये निकालना था और इसका मान दिया था, बस देख सकते हो सिंपल है, ये निकल गया। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर ये कोण को जोड़ करके और तीसरा कोण बराबर में रखे निकाल दिया हमने, है ना, ये आ गया एकांतर कोण के नाते। तो सब हमने ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, ज्यादा कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं था। अब यहां पे देखो अरे वही क्वेश्चन है, कितना बार हमने लिया था भाई, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तीसरा क्वेश्चन ये हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुज की कहता है कि दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD है। तो दो त्रिभुज जो होते हैं उनकी समरूपता कसौटी तो आप जन्मे करते हैं, एक तो AAA, SSS और SA साइड एंगल साइड, यानी SAS, ये तीनों होते हैं, एक तो ये होते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी,
कोण 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 समरूपता कसौटी, और एक होते हैं भाई साइड 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 समरूपता कसौटी। ये तीनों होते हैं, इन तीनों में से बताना है कि किस पर ये होंगे, तीनों में से किसी पे भी बता देना है। तो सबसे पहले तो समलंब बना लेते हैं। समलंब कैसे बनाएंगे भाई, बड़ा आसान है, देख लो कैसे बनाते हैं। एक तो यहाँ पे एक रेखा खींच लो, है ना, हमने खींच लिया। कॉपी कर सकते हैं क्या, फ्रेमिंग, ये तो फ्रेमिंग है, रेड हो गया, क्लोन। अब इसको दोबारा कर सकते हैं कॉपी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से, राइट ना, तो हमने बड़ा कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब देखो भाई यहाँ से ये तो हो गए ना, अब कैसे करेंगे भाई देख लेना। एक इससे मिला दो ये वाला पार्ट, और इससे ये मिला दो, थोड़ा सा बढ़ उधर उस साइड बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ समझने के लिए है, समझ लो, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा अच्छा से बना ही देते हैं, है ना। एक ये वाला खींच लेते हैं, लो भाई हमने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्लोन में जाके कॉपी होता है ना। अब क्या करते हैं भाई, इसको इधर रख देते हैं, यहाँ पे जाने देते हैं, लो भाई हमने कर दिया, राइट ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नामकरण कर दो ना सबसे अच्छा, समलंब ए बी सी डी, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ए बी, ये रहा सी, और ये रहा हमारे पास डी, तो समलंब ए बी सी डी कर दिया, जिसमें ए बी समांतर डी सी। तो देख लो ए बी समांतर डी सी, ये हमारे पास है। समांतर का मतलब ये हुआ कि बीच की दूरी समान होनी चाहिए, है ना, यानी ए बी और डी सी की दूरी जहां तक जाएगा आगे बढ़ते ये भी और ये भी, तो बीच की दूरी समान ही रहेगी, ठीक है। तो ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इन समलंब त्रिभुज के विकर्ण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, विकर्ण ले लेते हैं, तो कौन दिक्कत है, विकर्ण ले लेते हैं। एक तो विकर्ण हमारे पास क्या है, एसी विकर्ण, तो एसी ये हमारे पास है, ये रहा एसी, ये विकर्ण है हमारे पास, राइट ना, तो ये हमारे पास भाई विकर्ण है। एक ये विकर्ण हो गए, अब एक और विकर्ण कर लेते हैं हमारे पास, तो विकर्ण करने के बाद एक इसी का कॉपी कर लेते हैं ना, एक ये, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं भाई, लो भाई एक ये विकर्ण हमारे पास हो गए, तो ये दो विकर्ण हो गए, एक एसी विकर्ण, एसी जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, एसी विकर्ण और बीडी, तो हमारे पास ये बीडी हो गए। ये दोनों किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD। अब हम देखेंगे भाई यहीं से हमको क्या मिलेगा, क्लू मिलेगा कि देखो भाई OA बटे में OC है, OA कहाँ है हमारे पास, देख लो OA ये है, ये हमारे पास OA है, उसके बाद क्या OB हमारे पास है, तो OB कहाँ है, OB है, मतलब एक ये त्रिभुज मिला। उसके बाद देखो ध्यान से देखना कि OC है तो OC कहाँ है, OC यहाँ पे है, फिर उसके बाद क्या है OD है, तो OD कहाँ पे, यहाँ पे OD, यानी एक ये त्रिभुज मिला। इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या, हल, तो हमने लिखा हल। अब दिया क्या है वो लिखेंगे, दिया हमारे पास है कि त्रिभुज, सबसे पहले समलंब, दिया क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, एक जो है ना क्या है हमारे पास, समलंब है, समलंब है, चलो ए बी सी डी एक समलंब है, हमने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद क्या किया भाई, ए सी और बी डी विकर्ण है ना, तो हम लिखते हैं ए सी एवं बी डी हमारे पास क्या है, बी डी विकर्ण है, विकर्ण है, हमने ये कर दिया, राइट ना, बस इतना कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखना, सिद्ध क्या करना है भाई, वो लिख लो, सिद्ध करना है, है ना, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे, है ना, तो सिद्ध क्या करना है हमें, OA, OA बटे में OC और बराबर में OB बटे में OD, करेक्ट ना, हमने यहाँ पे कर दिया, हाँ भाई कर दिया। अब ये सिद्ध करना है, अब करेंगे क्या, यहाँ से हमें क्या करना भाई, इन दोनों त्रिभुज को समरूप किसी भी तरह से हमें कर देना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये कोण जो है ना, कोण B,
इस कोण के बराबर है? आप कहोगे कैसे? तो एकांतर कोण के नाते, ये कोण जो होता है ना इस कोण के बराबर होता है। कैसे? तो एकांतर कोण के नाते। तो हम वो लिख देते हैं भाई, है ना। तो हम किस किस में चल रहे हैं त्रिभुज में? तो त्रिभुज एओबी एवं त्रिभुज ओडीसी में, है ना, या फिर डीओसी कह सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि त्रिभुज किस में? एओबी, एओबी एवं त्रिभुज किस में? तो डीओसी में, डीओसी में, करेक्ट ना, इसमें हम चल रहे हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं भाई, क्या हमको दिया गया है? कोण ए जो है ना कोण सी के बराबर। ये कोण ए जो है किसके बराबर है? कोण सी के बराबर। तो हम लिखेंगे क्या? कोण ए जो हमारे पास है वो कोण सी के बराबर। आप कहोगे कैसे? तो एकांतर कोण के नाते। तो हम लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे फिर? हमारे पास जो है कोण बी जो है कोण डी के बराबर है। कोण बी जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? कोण डी के बराबर है। कैसे? तो एकांतर कोण से लिखेंगे, किससे? तो एकांतर कोण से, राइट। हमने ये लिख दिया, हेलो, हाँ, एकांतर कोण से। अब ये हो गया हमारे, यहां पे देख लो भाई, ये हमारे पास जो कोण ओ है वो कोण ओ के बराबर होंगे। क्यों होंगे इस दोनों त्रिभुज में? क्योंकि सम्मुख कोण है इसलिए। तो हम लिखेंगे क्या? कोण ओ जो है वो कोण ओ के बराबर है, है ना। क्यों? तो सम्मुख कोण के नाते। तो हम यहां पे लिख देते हैं सम्मुख कोण है इसलिए, राइट ना, क्लियर। हाँ भाई, आपने ये समझ लिया। अब यहां से क्या करेंगे भाई? यहां पे देख सकते हो कि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। किस किसकी मदद से? किस समरूपता कसौटी से? तो तीनों कोण बराबर है तो भाई वही एंगल एंगल से, एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएंगे भाई? तो त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके? तो डी ओ सी के, ठीक है। तो ये समरूप हो जाएंगे, क्लियर। हाँ भाई, आपने ये समझ लिया। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तभी हम निकाल सकते हैं इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। जब कोण कोण मदद से जब हम निकालते हैं भाई, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या कर देते हैं? आपस में बराबर कर देते हैं। तो आइए बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, आप क्या कर दो, ए बी, इस त्रिभुज का ए बी भुजा है, बटे में क्या कर देंगे? डीसी कर देंगे। हमने यहां पे डीसी कर दिया, है ना, बराबर में भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। इस त्रिभुज का हम एओ ले लेते हैं, क्या ले लेते? एओ या फिर ओए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेना है वो ले लो। तो हम यहां पे ओए ले लेते हैं, एओ कह लो या फिर ओए कह लो, कोई एक ही बात है, ठीक है। तो ओए, अब बट्टे में क्या ले लेते हैं? ओसी ले लेते हैं इस त्रिभुज का। ये ऊपर वाला त्रिभुज का ओए हुआ, नीचे वाले त्रिभुज का ये ओसी हुआ, ठीक है। तो हमने ले लिया ओसी बराबर में। फिर हम ले लेंगे क्या, हम यहां पे लिख लेते क्या, इस त्रिभुज में ओबी ले लेते हैं, ओबी, और बट्टे में इधर क्या लेते हैं? ओडी ले लेते हैं। तो हमने ओडी ले लिया। अब ये हमारे पास आ गया, जब कोण कोण मदद से समरूपता कसौटी ये हो गए हैं, यानी समरूप हो गए हैं, तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गए। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था भाई? हमें सिद्ध तो करना था दो ही, है ना। तो हम अब करेंगे क्या भाई? तो एक को गायब कर देंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सीधा, यहां पर लिखेंगे ओ ए बटे में ओ सी, और बराबर में क्या लिखेंगे? ओ बी बटे में ओ डी, करेक्ट ना, यही लिखेंगे। है तो हमारे पास तीनों भुजाओं का अनुपात, लेकिन जरूरत है दो की, तो हम दो लिख दिए, क्या दिक्कत है। तो हम ये लिख देंगे, ये प्रूव हो गया, हमारे पास ये आ गया ना प्रूव। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते रहते हैं। तो आप देखना क्या कि जो हमें सिद्ध करना है, क्या है कि जो हमें सिद्ध करना है ना भाई, उसी को देख करके आप इसमें फिल कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गई बोलने में थोड़ा। दिक्कत हो रही है ना, तो यह प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न में क्या दिया गया कि आकृति 6.36 में, यह हमारे पास आकृति 6.36 है, इसमें जरा देख सकते हैं। कहता है क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर। क्यू आर देखो कहां है हमारे पास, देखो क्यू आर, ये पूरा क्यू आर बट्टे में क्यू एस, यहां से लेके यहां तक क्यू एस।
बराबर क्यूटी बट्टे में पीआर, तो क्यूटी कहाँ है भाई, क्यूटी ये है और बट्टे में पीआर, तो पीआर ये, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तथा कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस। अब देखो भाई हमको दर्शाना क्या है ये देखना, पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन है हमारे पास, पी यहां से स्टार्ट करो, ये पी क्यू एस ये त्रिभुज है, ये हमारे पास पी क्यू एस है, ये त्रिभुज समरूप है क्या टी क्यू आर के, तो टी क्यू आर हम ले लेते हैं, टी क्यू आर कौन है भाई हमारे पास, है ना, टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी पूरा है ये टी क्यू आर, टी क्यू आर ये पूरा यहां से यहां तक हमको दर्शाना है कि ये समरूप है या कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको लिखेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हल, ये बहुत सिंपल है। अब दिया क्या है वो आप लिख लो ना, सबसे पहले दिया है क्या, दिया है भाई हमको, दिया क्या है कि अरे भाई ये सब कैसे बार बार लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे क्या, क्यू आर बटे में क्यू एस, ये हमको दिया है क्यू आर बटे में क्यू एस, राइट। अब बराबर में क्या लिखेंगे, क्यू टी बटे में क्या लिखेंगे पी आर, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, राइट ना, हमने मान लिया। दूसरा दिया गया हमको क्या कि कोण एक जो है ना कोण दो के बराबर है, कोण एक ये है और कोण दो ये है। आप देखोगे देखोगे ये क्या है, एक ही त्रिभुज में है, पी क्यू आर में ही हमारे पास कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, है ना, तो ये कोण एक कोण दो के बराबर है। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं भाई, लिखेंगे चूंकि कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, क्या है कोण एक जो कोण दो के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो जब एक ही त्रिभुज में कोई, जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास, जब एक ही त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, मान लो कि कोण एक कोण दो के बराबर है, तो इनके सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि इस कोण एक के सामने की भुजा ये वाला और कोण दो की ये सामने की भुजा, ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी मदद से कोण एक ये है, तो कोण एक के सामने की भुजा कौन है भाई, ये वाला है, है ना, और कोण दो की सामने की भुजा कौन है, ये वाला है, दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो हम देख लेते कोण एक की सामने वाली भुजा क्या, पी आर है, पी एस नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे कोण यहाँ पे दिया गया, इससे सटा हुआ है, पी एस ले लोगे तो गलत हो जाएगा, पी आर लेना है। तो हम लिखेंगे क्या, पी आर बराबर, पी आर बराबर क्या लिखेंगे, पी आर बराबर में क्या लिखेंगे, पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी क्यू, सामने की भुजा हमने क्या किया, बराबर कर दिया, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, अब लिखेंगे क्या समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमारे पास ये दिया गया, उसमें हम लिखेंगे समीकरण एक में क्या दिया गया भाई, आओ लिख लेते हैं, दिया गया है क्यू आर बटे में क्यू एस, राइट, बराबर में क्यू टी और बटे में पी आर, तो हमने पी आर लिखा, लेकिन पी आर के जगह पे हम पी क्यू आसानी से डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ना फटाक से, क्या करते हैं हम डाल देते हैं पी आर के जगह पे भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना पी आर, पी आर के जगह पे हम पी क्यू डाल लेते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि क्या हमारे पास है पी आर बराबर जो दिया गया वो पी क्यू, इसलिए हमने डाल दिया, राइट, ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखोगे कि दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, दो भुजा का आपस में बराबर है, है ना, जब दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है तो बस हमें करना क्या भाई, तो एक कोण बराबर कर लेना, कैसी, तो ये जो हमने लाया ना भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना भाई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने त्रिभुज का नाम नहीं लिखा ना यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ओके, पूरा लगता है छोटा हो गया, दिखेगा ये, हाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा क्योंकि ये सब मैंने कर दिया, तो हमें चलना था क्या अभी समीकरण किस में, तो हमें इसको लिया करना था, थोड़ा हम यहाँ पे लिया कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देना कि त्रिभुज किस में चले हैं भाई, त्रिभुज बस वही पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू एस और पी क्यू आर में ही तो चलना है ना, तो त्रिभुज पी क्यू एस एवं एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, ठीक है, इसमें हम चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं, ये पार्ट शायद ऊपर है, सॉरी सॉरी, ये पार्ट ऊपर ही लिख लेना चाहिए था हमें, तो हम अभी ऊपर तो कर ही सकते हैं, अरे भाई हमारे हाथ में सब कुछ है,
इसको ले आ कर दो, सबसे ऊपर यही लिखना चाहिए। वैसे आप लोग तो होशियार है ना, सब कुछ कर सकते। अरे कभी कभी ना मन की बदमाशी होती है इसकी, समझे? तो मन की बदमाशी होती है तो ये सब ना लुच्चा लफंगा की तरह करता ही रहता है। इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर रहेगा, करेक्ट ना? और ये जो हमारे पास है ये ले आ जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मैंने फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, बस एक कोण को बराबर कर लेना है। तो जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोण कैसे बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखना, किसमें? तो यहां से भी पता कर सकते हो, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कौन सा कोण सब में, दोनों में आ रहा है। तो ये जो कोण क्यू जो है ना, ये दोनों में आ रहा है, यहां से भी पता कर सकते हैं, कोण क्यू दोनों त्रिभुज में है, यानी त्रिभुज पी क्यू एस में भी है और त्रिभुज टी क्यू आर में भी है। तो यहां पर भी देख सकते, त्रिभुज पी क्यू एस कौन है, पी क्यू एस ये त्रिभुज, और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों में ये क्यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भाई लिख लेंगे, तो उभयनिष्ठ है ना? तो उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं एक कोण बराबर तथा दो भुजा बराबर। तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भुजा है ना, कोण भुजा की मदद से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता है ना, कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या पी क्यू आर है ना पहले, या पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, तो टी क्यू आर के ये समरूप हो जाएंगे भाई आपस में, करेक्ट ना? तो आपने ये सॉल्व कर लिया, प्रूफ हो गया। चौथा प्रश्न हमने भाई सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, पांचवा को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। पांचवा ये कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, हम क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया है ना, ये त्रिभुज बनाया फ्रेमिंग में। अरे ये ब्लिंक वाइट ही नहीं रहेगा क्या, ब्लैक ब्लैक ये सब आ रहा है, ये दिक्कत कर देगा ना हमको बनाने में। अच्छा चलो हम इसका एक कलर सिलेक्टर लेते हैं, ब्लैक सिलेक्टर लेते हैं। अरे भाई इसमें भी ब्लैक कर लेते हैं, हाँ चलो ब्लैक कर लिया। अरे नहीं वाइट का, हाँ वाइट, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है नया नया है ना इसमें। अब ये हमारे पास है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी, उसके बाद क्यू और उसके बाद यहाँ पे आर, त्रिभुज पी क्यू आर हमने कर दिया। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर हम देख लेते पी आर कौन है, पी आर ये है और क्यू आर ये है, तो पी आर ये हुआ क्यू आर ये हुआ, ठीक है। क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है, तो आइए एस और टी हम क्या कर देते हैं, स्थित कर देते हैं। तो पी आर पर एस है और क्यू आर पे टी है, तो पी आर कौन है, पी आर ये है, इस पर एस बिंदु, मान लो यहाँ पे हमारे पास एस बिंदु है, और क्यू आर पर टी, तो क्यू आर ये है, इस पर हम मान लेते हैं क्या टी बिंदु, तो हमने क्या किया टी बिंदु रख दिया, राइट ना, हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को, चलो हम दोनों बिंदु को मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है ना, कोण पी, ये कोण पी जो है हमारे पास कोण आर टी एस के बराबर है, कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, तो आर टी एस कौन हुआ भाई, आर टी एस ये वाला कोण, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि जो बीच में दिया रहता है वो कोण का वैल्यू होता है, तो टी ये हमारे पास है, ठीक है। तो कोण टी कोण पी के बराबर है, तो दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो बड़ा सिंपल है, हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, या लिख लेते हैं हल, दिख रहा है ना भाई, हमने हल लिखा, फिर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है, या फिर ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, चलेंगे हल। अब लिखेंगे क्या त्रिभुज किसमें भाई, चलते हैं त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, त्रिभुज आर पी क्यू लिख देते हैं, आर पी क्यू एवं त्रिभुज किसमें, तो आर टी एस में, आर टी एस में, तो आर पी क्यू कौन है भाई, आर पी क्यू ये हमारे पास है, फिर आर टी एस कौन है, तो आर टी एस ये है, दोनों में चल रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है, में लिख दो। अब इसमें करेंगे क्या भाई, इसमें करेंगे क्या, हमको जो दिया गया है ये कोण पी जो है कोण टी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी बराबर कोण टी है ना, क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है,
लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में ये दिया है, दिया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक कोण बराबर कर लिया है ना, कोण P बराबर कोण T। अब एक कोई और कोण बराबर कर लो, तो हम यहाँ पे देख रहे भाई कॉमन क्या नजर आ रहा है कि दोनों में हो, कौन सी जो है भुजा वो दोनों में है। तो आप देखेंगे भाई ये कोण कोण R जो है वो दोनों में आ रहा है, देख लो यहाँ पे, जैसे कि त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में ये कोण आया, और त्रिभुज आर टी एस में, तो आर टी एस में ये त्रिभुज दोनों में, सॉरी ये दोनों त्रिभुज में ये कोण है, कोण R जो है वो दोनों त्रिभुज में है। तो हम लिखेंगे कोण R बराबर में कोण R दोनों में है, दोनों में इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब आपको ये ध्यान में रखना है भाई कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, समझे। अब समझाने के लिए आप कहोगे कैसे सर, तो जैसे कि एक ये त्रिभुज हमने बना दिया, एक ये त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, इसका मान रख दिया 40 डिग्री, इसका नाम रख दिया मान रख दिया 50 डिग्री, इसका मान हमने रख दिया मान लो कितना, इसका मान रख देते हैं वही 40 डिग्री चलो, और इसका मान रख देते हैं 50 डिग्री, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो 40 डिग्री 50 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो 40 50 कितना होता है 90 होता है, तो उधर कितना बच गया 90, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। 5 4 9 2 18 ये देखो 5 4 कितना हुआ 9, फिर ये भी 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएंगे हमारे पास तीसरा कोण 90 डिग्री। तो ये दो कोण आपस में बराबर थे, ये कोण इसके बराबर, ये दोनों बराबर में थे, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल गया बराबर, ये 90 तो ये भी 90, इसलिए मैंने बोला था, है ना। तो जब बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो कोण कोण मदद से लिखेंगे, कोण क्या लिखेंगे भाई, कोण कोण मदद से, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू है ना समरूप हो गए त्रिभुज किसके, तो आर टी एस के, राइट। आपने ये समझ लिया भाई, तो प्यारे बच्चों ये मैंने 5 तक सॉल्व किया, आगे भी हम लाएंगे, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। इसको पार्ट 1 मैंने किया, पार्ट 2 में बाकी सारा खत्म कर देंगे। पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।